2021 से कबल कोरोना की पहली वैक्सीन की उम्मीद नहीं, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। माइक रेहान कहते हैं कि मुहक्किकीन कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए वैक्सीन तैयार करने की जानिब मस्बत पेशरफ्त कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक WHO के एमरजेंसीज प्रोग्राम के सरबरा माइक रयान ने कहा है कि आलमी इदारा सेहत वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन तब तक वायरस का फैलाव रोकना जरूरी है। माइक रयान ने कहा है कि हम अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं, मुतादिद वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले में है और अब तक कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के हवाले से कोई वैक्सीन नाकाम नहीं हुई। ताहम उन्होंने कहा है कि हकीकी तौर पर अगले साल के अवाइल में इन वैक्सीन को अवामी स्तर पर लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि आलमी इदारा सेहत मुमकिन वैक्सीन तक रसाई और उनकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में मदद के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इसके हवाले से मुनसिफाना होने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे आलम की भलाई के लिए है। वबा की वैक्सीन के लिए किसी अमीर गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए और ये सब के लिए होनी चाहिए।